मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के स्वागत को लेकर मंगलवार को इंदौर एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी झड़प हो गई। इस दौरान प्रदेश सचिव गजेंद्र वर्मा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल पर जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया। कमलनाथ सुबह 10 बजे इंदौर विमानतल पहुंचे। उनके स्वागत के लिए विमानतल में प्रवेश करने वालों की सूची में गजेंद्र वर्मा का नाम शामिल नहीं होने से उन्हें रोक दिया गया। इससे गुस्साए वर्मा वाकलीवाल पर बिफर पड़े। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक उठकर चले गए। भाजपा नेता उनके जाने के पीछे वजह तबीयत खराब होना बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही कारण को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आने के बाद ही सिंधिया बैठक से उठकर चले गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर तंज कसा है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा राहुल जी कैसा भारत जोड़ने निकले हैं। जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, 2019 में बयानबाजी शुरू की थी, राजस्थान की रैली में हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित किया था, उसके बाद उनके पाटिल जी को गीता में जिहाद दिखाई दिया। मध्य प्रदेश में फसल कटने के बाद अवशेष को जलाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% तक अनुदान देगी। इसके लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना लागू की जा रही है। इसमें स्टोरीपर, बेलर, रीपर कंबाइंडर, मल्चर, हैप्पी सीडर, जीरो ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटावेटर, प्लाउ सहित अन्य चिन्हित कृषि यंत्र को शामिल किया गया है। लघु सीमांत महिला, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को यंत्र की कीमत का 50% तक अनुदान दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के किसानों को 40% अनुदान दिया जाएगा। धार जिले के धर्मपुरी में बैकुंठ चतुर्दशी व देव दिवाली के अवसर पर नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान संध्या काल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे व दीपदान किया। स्थानीय शीतला माता घाट व पेड़ी घाट पर दीपदान करने वालों का तांता लगा रहा। वहीं मां नर्मदा की गोद में टापू पर स्थित श्री विल्वामृतेश्वर महादेव मंदिर में देव दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। उत्सव के दौरान मंदिर परिसर से लेकर नर्मदा तट तक हजारों दीपक लगाए गए। मंदिर को आकर्षक विद्युत से सजाया गया। भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। आरती के पश्चात मंदिर में जमकर आतिशबाजी कर उत्सव मनाया गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।